हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्या लेकर आया जगत में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पाया नहीं जाता इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जगिए, कहे सतनाम जगिए, झूठा जमेला दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। जो बन का ना ही भरोसा पलका यूं ही मर जाएगा दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन।
फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर था। दो तीन लाइंस उन्होंने बोली हैं, बहुत ही पावरफुल लाइंस, और मतलब सच है, यहाँ तो आप कह सकते हो कड़वा सच है जो हम लोग रियलाइज नहीं करते अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, फिर भूल जाते हैं, फिर वही होता है। और जब ये ऐसे सुनते हैं गाने भजन, तब फिर जागृति होती है, फिर इनलाइटमेंट होती है थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद फिर अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर घुस जाते हैं, फिर ये भूल जाते हैं। तो इसको सुन के उस टाइम जब रियलाइजेशन होती है ना, तब तो मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के ना कहीं शांति वाली जगह पर जाके बस भगवान का नाम लो और अच्छे काम करो। पर पॉसिबल नहीं है, अगर होता तो सभी कर लेते, पर इसको सुन के तो ऐसे लग रहा था कहीं हिमालय पर्वत या कोई ऐसी जगह चले जाओ और वहाँ कुछ नहीं, बस शांत हो और बस भगवान का नाम लो, नेचर के साथ हो और बस मेडिटेट टाइप करो। तो मेरे को तो वो फीलिंग आ रही थी। और जितना इन्होंने ये जो वर्डिंग्स बोले ना कि क्या लेके आया है तू, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, तो सारा मेला ही मेला है ये सब। तो फंस गए हैं उसी चक्रव्यूह में हम लोग, उस मेले के अंदर फंसे हुए हैं, और जब तक निकलने का रियलाइजेशन होगी बहुत लेट हो जाएगा, मतलब डेथ होने वाली होगी तब रियलाइजेशन होगी कि भाई ये क्या किया हमने। पर क्या करें, लाइफ ऐसी हो चुकी है, इतनी हेक्टिक लाइफ है। पर बहुत सुंदर इन्होंने गाया है, बहुत ही सुंदर, मतलब म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा जो उन्होंने वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया है, बहुत ही सूदिंग था, इतनी शांति मिल रही थी सुनने के में कि अच्छा लग रहा था। अब ये मेरे ख्याल से कबीर के दोहे होंगे, क्योंकि मैंने जो कबीर है उनके दोहे सुने हुए हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनके हर दोहा जो है ना इतना सुंदर होता है कि मजा आ जाता है उसको सुनने में, और वो आपको मतलब रियलाइज कराता है कि लाइफ क्या है और आप कहाँ फंसे हुए और क्या गलत कर रहे हो। तो बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। राइट, सो बहुत अच्छा था, और थैंक्स जिन्होंने रेकमेंड किया है, क्योंकि आपकी जो है चॉइस इज अमेजिंग, वेरी नाइस कि आपने ये रेकमेंड किया, दिस वेरी गुड। और इसमें यही होता है कि जब इंसान सुनता है ऐसे सॉन्ग्स को तो उस समय के लिए सोचने थॉट प्रोसेस शुरू होता है, और जब सॉन्ग ख़त्म होता है तो थॉट प्रोसेस भी ख़त्म हो जाता है। तो यही है कि थॉट प्रोसेस ख़त्म नहीं होना चाहिए, आप और सोचिए इसके बारे में और इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ के बारे। लाइफ को हमेशा याद रखिए कि टेम्प्रेरी लाइफ है, तो उस हिसाब से जो लोग जीते हैं उनको मैं कहूँगा वो बेटर हैं थोड़े। और नॉर्मली आप कह सकते हैं कि जो भी इंसान पूजा करते हैं रोज़, वो इन अ वे उनको पता है, क्योंकि रोज़ जब वो पूजा कर रहे हैं तो वो उनको एहसास है इस बात का कि उनकी लाइफ टेम्प्रेरी है। और जैसे ये कह रहे थे कि दो दिन की ज़िंदगी और दो दिन का मेला है, तो काफ़ी अच्छा था, और लाइफ में बैलेंस होता है। और डेफिनेटली बहुत बार लोगों को इसी बात का सोचना पड़ता है कि आप कह सकते हैं कि 90% ऑफ द पीपल को तो ये अंदाज़ा भी नहीं है, मतलब इस तरीके से वो नहीं सोचते कि हम टेम्प्ररी हैं। राइट, आप भी बहुत सारे लोग होंगे, 90% को लगता है तो ऐसी बात है, सबने जाना है एक दिन, एंड ऑफ स्टोरी, आगे बढ़िए, और हर दिन इंसान ऐसे जीता जैसे वो कभी मरेगा नहीं। राइट, मतलब छोटी छोटी बातों पे इंसान लड़ता है एक दूसरे से। आप कुछ भी देख लीजिए, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, ट्रैफिक में बम्पर से बम्पर अगर गाड़ी लग जाती है तो पूरी लड़ाई जाती है, हाथापाई होती है, मतलब एक दूसरे को लोग मारने पीटने रहते हैं, वो उसको कोई नहीं सोचता है यार कोई बात नहीं, मतलब क्योंकि आप आपको लग रहा है परमानेंट है। ठीक है, और आप ये भी आप प्रैक्टिकलिटी भी देख रहे हैं, मेरी कार टूट गई कल मैं कैसे ऑफिस जाऊंगा, ये क्योंकि उसके पीछे जो है रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं कि हर ह्यूमन बीइंग के ऊपर रिक्वायरमेंट्स मैसिव हैं कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो गए। राइट, तो बेसिक तो वही पंगा है सारा, कि अगर कोई बंदा कहे कि चलो मुझे पता लग गया कि मेरे को एक दिन जाना है तो क्या जरूरत है। अब जरूरत पैदा होती है कि आप ह्यूमन बीइंग है, आपकी नीड्स हैं, आपको खाना पड़ेगा, आपको कपड़ा चाहिए, आपको मकान चाहिए, तीन चीज़ों के लिए इंसान भागता रहता है, फिर वहाँ से भूल जाता है और फिर आगे चलता चलता है कि अच्छा और मैं करता हूँ और पैसा इकट्ठा करता हूँ और ऐसे करते 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 पता लगता है कि वो ओल्ड हो गया, अब जाने का समय आ गया। और उसी ने किसी ने कहा था कि जो दो तरीके थे मतलब पैसा यूटिलाइज करने के, कि या क्या आप कोई सामान खरीदेंगे या आपको एक्सपीरियंस लेंगे, तो रिसर्च ने कहा था कि एक्सपीरियंस बेटर है, क्योंकि मरने से पहले इंसान जो है एक्सपीरियंसेस याद करता है, भूल जाता है कि फ़ोन कहाँ थे। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको याद है अच्छा मैं वहाँ पे गया था,
मगर आप ये नहीं देखेंगे, अच्छा मेरा एक फोन आईफोन था, एक जमाने का आईफोन 5 था वो खत्म हो गया, फिर आईफोन 6 लिया, वो 7 लिया, 8 लिया, वो नहीं, उस वक्त जो आया ठीक है आपने यूज किया, मगर वो एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहता है। आप कुछ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपको रियलिटी में लेके आता है, आपको रियलाइज कराता है कि आपका जीवन थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। मगर वही है कि ये मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स बातें हैं, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए बहुत ही इंटेलिजेंट हो तो वो कहेगा कि जब मरना ही है तो क्या जरूरत है इस लाइफ के झमेले में पड़ने के लिए। वो साधु लोग हैं, जो साधु लोग हैं जिनको एक समय पे ये रियलाइजेशन आता है, कईयों को बचपन में आता है, कईयों को इसलिए आता है क्योंकि वो किसी मोनास्ट्री या टेम्पल में पैदा हुए हैं, या जैसे भगवान बुद्ध थे, लॉर्ड बुद्धा जो थे, उनको रियलाइज आया जब उन्होंने देखा चीज़ों को कि अरे मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, ये मिले नहीं, वो छोड़ के चले गए। तो अब रियलाइजेशन वाली बात है, आने के बाद भी आपको करेज भी चाहिए और आप फिर ये भी देखते हैं। इसीलिए जो अच्छी बात यह है कि भगवद गीता प्रेफर करती है कर्मयोगा को, वो दूसरे मोड्स को जिसमें आप पूरा घर बार छोड़ के चले जाते हैं वो मोड प्रेफर नहीं करती भगवद गीता। वो कहती है कि ईशू जो है आप जो भी आपको अटेन करना है, ये निर्वाण और मुक्ति, ये बहुत ही आसान है, उसके लिए आपको ये सब नहीं करना। अगर आप कर्म योगा ही करते हैं तब भी आप अटेन कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है भगवद गीता में कि लोग सोचेंगे अरे यार अब मैंने जो है मैं कुछ घर बाहर छोड़ छाड़ के भगवान की पूजा में लग जाता हूँ, ठीक है भक्ति योगा भी है, भक्ति योगा कई ले, मगर कर्म योगा बेस्ट है। और उसमें यही कर्म योगा में यही है कि जो लोग हमारी तरीके से हैं कि अगर आप सेल्फलेस कार्य करते हैं तो भी आप अचीव कर सकते हैं, सिंपलेस्ट मेथडोलॉजी वही है हम लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा गाना था, बहुत कुछ ये जो है मतलब ये आपको रियलाइज कराता है, तो अमेजिंग। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।